सब एक हो जाओ, आजादी का दीप जलाओ। नमस्ते दोस्तों, कुछ तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से फेसबुक लाइव में थोड़ा विलंब हुआ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो जैसे मैं बोल रहा था कि हम लोग आज भारतीय न्यायपालिका के चरित्र पर बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और हमारे साथ दो विशेष मेहमान हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और संविधान विशेषज्ञ नितिन मेश्राम साहब। नितिन साहब, आपका इस शो में स्वागत है। और हमारे साथ हैं अरविंद कुमार जी, जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं और उसका शोध भी कर रहे हैं और इंडियन जो पॉलिटिकल सिस्टम के इंस्टीट्यूशंस हैं उन पर उनकी विशेषज्ञता है। तो मैं बातचीत को शुरू करता हूं अरविंद जी आपसे। ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि इस समय देश की न्यायपालिका के साथ हो क्या रहा है दरअसल, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग स्थिति है। मेरी समझ में बहुत स्पष्ट रूप से नहीं आ रहा है कि ये अचानक इतनी उथल पुथल हो रही है और ये इस गणतंत्र के लगभग 70 साल बाद ये दरअसल हुआ क्या है, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज बताएं। सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि 80 के बाद से ये लगातार कहा जा रहा था कि भारत में लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका डिक्लाइन हो रहा है। पब्लिक इंस्टीट्यूशन जिसमें संसद को लेकर ढेर सारी किताबें भी लिखी गई और ये जुडिशरी को लेकर भी ये, लेकिन जब जुडिशरी पर बात की जा रही थी स्पेशली मीन्स सुप्रीम कोर्ट को लेकर, तो ये मतलब उसकी केस में कहा जा रहा था कि नहीं वहाँ डिक्लाइन नहीं है। और जो कारण जो बताया जा रहा था कि क्यों जो है संस्थाओं का डिक्लाइन हो रही है, उसका कारण ये कहा जा रहा था क्योंकि लोअर क्लासेस का इमरजेंस है और वो जो है एक अयोग्य टाइप के लोग जो अलग अलग संस्थाओं में घुस रहे हैं। कल जो जजेज ने, 4 जजेज ने कहा है, अगर इस परिप्रेक्ष्य में इस पूरे पूरे मामले को देखने की कोशिश करें तो हमको 2 चीज समझना होगा। कुछ उन्होंने कहा है और कुछ उन्होंने नहीं कहा है। जो नहीं कहा है उसको अगर हम वहां से चीजों को निकालने की कोशिश करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि दरअसल जुडिशरी में हो क्या रहा है। बहुत इस घटना को 2-3 तरीके से देख लेने की जरूरत है। एक तो क्या ये मामला सरकार वर्सेज सुप्रीम कोर्ट है, या फिर क्या ये मामला जो है जजेज वर्सेज जजेज है, या फिर कुछ और है। जी अरविंद जी, ये इस सवाल को हम और आगे इस बारे में आपसे बातचीत करेंगे। एक व्यू मैं नितिन मेश्राम साहब का चाहता हूँ कि नितिन मेश्राम साहब, आप इंस्टीट्यूशन के अंदर के आदमी हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को हर दिन देखते हैं कैसे एक्ट कर रहा है, क्या वहां हो रहा है, तो इस पूरे विवाद को कैसे समझें? ये बहुत ही डिफिकल्ट है, समझने के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है उन लोगों के लिए, पर्टिकुलरली जो लोग इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। मोस्ट ऑफ द लोग पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो करते हैं बट जुडिशियरी को एक्सक्लूड कर देते हैं, इसलिए उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो सिस्टम है उस सिस्टम में पिछले कई सालों से, पर्टिकुलरली 2-3 decades से ये बात को माना जा रहा है कि ये सिस्टम में बहुत बड़ी गड़बड़ी है। उसके 3 कारण मैं आपको बता रहा हूँ। 3 कारण के जो एलिगेशन हम लोगों ने लगाए हैं वो 3 कारण, पहला एक कारण यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं या वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो जो इंटरप्रिटेशन प्लेस कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज के ऊपर। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि क्या जजेस जो है वो इक्विप्ड है, सेकेंडली क्या वो फेयर हीरिंग दे रहे लोगों के साथ में, या थर्डली क्या लोग उनके जजमेंट से सेटिस्फाइड है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं उस तरह से हमने देखना चाहिए कि इसके लिए इन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी का एक मायना लेकर उन्होंने एक 93 में एक जजमेंट दिया। बेसिकली वो जजमेंट एक ब्राह्मीन सुप्रीमेसी को बना के रखने के लिए दिया गया था, क्योंकि उस समय बैकवर्ड क्लासेस का रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट में ऑलमोस्ट मोर देन हाफ ऑफ हो गया था। मुझे लगता है नितिन साहब आप दरअसल ये बात कर रहे हैं कि कोलेजियम सिस्टम किस तरह से आता है, जुडिशियरी में
अपनी नियुक्तियों को कैसे अपने कंट्रोल में ले लिया। yes, तो हमें जरा बताइए कि कॉलेजियम सिस्टम है क्या। इस समय असल में देश में लगभग हर आदमी इस बात को सुन रहा है कि जजेज का कोई कॉलेजियम सिस्टम है। ये है क्या, ये क्या पहेली है, जरा प्लीज बताइए। कॉलेजियम सिस्टम यह है, सीधी साधी मेरी अंडरस्टैंडिंग में, कि पांच लोग इकट्ठा होते हैं और पांच लोग इकट्ठा होकर यह कहते हैं कि भाई हम हमारा कलीग को चुनेंगे। उसमें आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, उसमें आपका पार्लियामेंट इन्वॉल्व नहीं है, उसमें आपका एग्जीक्यूटिव मतलब प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट इन्वॉल्व नहीं है, उसमें आपका किसी तरह का सिस्टम इन्वॉल्व नहीं है। वो कहते हैं कि हम अपने आप में से एक आदमी को चुनेंगे, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसका डिसीजन नहीं हुआ है, उसकी किसी भी तरह की चीज़ों का कोई डिसीजन नहीं हुआ है, ठीक है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जिस आदमी को चुनेंगे उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि ये गलत आदमी है। पहले अभी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि इनका मतलब प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी का इलेक्शन तो चैलेंज हुआ था, तो आपने मार पता है कोर्ट में गया। इवन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का इलेक्शन चैलेंज हुआ था, और आपको मालूम है राजनारायण वेरी फेमस केस है। या फिर सांसद कोई चुना जाता है, एमएलए कोई चुना जाता है, तो उसका चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का जज यदि अपॉइंट करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि उसको ये अनसुटेबल है करके चैलेंज नहीं कर सकते। दो व्यू है, पहले तो हम एक आदमी को अपॉइंट करेंगे और उसको आप गलत नहीं कह सकते। ये जो एक कंप्लीटली एक्सक्लूसिव व्यवस्था जो है, जिसमें आपका पार्लियामेंट का से नहीं है, आपका प्रेसिडेंट का से नहीं है, आपका प्राइम मिनिस्टर का से नहीं है, और पांच लोग इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि हम अपने जाति के आदमी को, हमारे पहचान के आदमी को, जो हमारे सामने डेली प्रैक्टिस करता है, उस वकील को हम लोग चुनेंगे। तो ये चुनाव में क्या हुआ है कि आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ दी जो सिलेक्टेड मेंबर्स हैं वो लोग एक ही जाति के पाए गए हैं। बहुत भयंकर पैमाने पर ब्राह्मण समाज के लोग पाए गए हैं, और आप देखेंगे कि ब्राह्मण जाति के लोग इतने बड़े भयंकर प्रमाण पर इस देश में जुडिशियरी में अपॉइंट किए गए कि वो क्लास इंटरेस्ट को सर्व करने की कोशिश करते हैं। नहीं, इसमें एक तो मुझे लगता है कि नितिन मेश्राम साहब आप जो कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण इस मामले में भी है, और इसका एविडेंस जो जुडिशियरी का सोशल कंपोजिशन क्या है, इसके लिए हम विस्तार से इसलिए बात कर सकते हैं क्योंकि इस देश की संसद ने इसकी जांच की। कड़िया मुंडा कमेटी बनी थी और उसने बकायदा जांच की थी और पाया था कि हिंदू सवर्णों का जुडिशियरी में वर्चस्व है, और ये बोलना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसलिए भी नहीं क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी ने इस बात को बोला है और इसकी पूरी जांच और पूरा सर्वे सब कुछ हो चुका है। तो ये तो तय है कि ये देश, इस देश की जो न्यायपालिका, जिस बात को अरविंद भी कह रहे थे, बाकी इंस्टीट्यूशन इसलिए खराब मान लिए गए कि शिक्षा खराब और पार्लियामेंट खराब, सरकार खराब, क्योंकि उसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोग आ गए थे, तो इसको डिक्लाइन का एक एविडेंस के तौर पर देखा गया कि समाज के वो लोग जो नहीं आने चाहिए वो आ गए टाइप का एक ओपिनियन बना। बल्कि एक चीज ऐड करूंगा, पॉलिटिकल साइंस में जुडिशियरी पर कोई पढ़ाई नहीं हुई थी, जो पहली इंडियन पॉलिटिक्स पर किताब थी उसको रजनी कोठारी ने लिखा था, और उसमें जुडिशियरी पर कोई चैप्टर नहीं था। दोबारा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पर देवेश कपूर और प्रताप भानु मेहता ने एक किताब लिखी, पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, और उसमें जुडिशियरी का एक चैप्टर डाला गया। उस किताब में जब ये कहा गया कि सारे इंस्टीट्यूशन डिक्लाइन हो रहे हैं, जुडिशियरी के साथ भी वो केसेस थी कि सब में जो है डिक्लाइन का मतलब ऐसे समझिए वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जो उनको ड्यूटी दी गई वो नहीं कर पा रहे हैं। सो ड्यूटी है जजमेंट डिलीवर करना, इतनी केसेस पेंडिंग है। सो इस आधार पर पूछा गया कि जुडिशरी का भी डिक्लाइन है, तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए इंस्टीट्यूशन एक दूसरे से हॉरिजेंटली और वर्टिकली इंटरलिंक्ड होते हैं। सो अगर जुडिशरी में केसेस इस वजह से पेंडिंग है क्योंकि पुलिस ठीक से नहीं परफॉर्म कर रही है, और पुलिस में कौन लोग घुस गए हैं, या अदर इंस्टीट्यूशन में पार्लियामेंट खराब तरीके से लॉ बना रही है, इस वजह से जुडिशरी उसका सही इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रही। सो अलग अलग तरीके से इसको कहा गया। एक जो इंपॉर्टेंट बात है, जो करिया मुंडा कमेटी का आपने अभी जिक्र किया, उस कमेटी, वो कमेटी की रिपोर्ट इस मामले को थोड़ा सा समझने में मदद करती है, लेकिन बहुत ज्यादा समझने में मदद नहीं करती है। करिया मुंडा कमेटी ये बात डील करती है कि SC ST बनाम अदर्स जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट में या नहीं, लेकिन इस मामले पर जो पहली मेरी दृष्टि गई वो इस तरीके से गई कि ये मामला दरअसल SC ST वर्सेज अपर कास्ट नहीं है, ये मामला ब्राह्मण वर्सेज नॉन ब्राह्मण। क्योंकि कल जिन चार जजों ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है CJI के खिलाफ, उसमें चारों लगभग नॉन ब्राह्मण, जस्टिस मदन बी लूकर का नाम अभी पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन तो तीन तो कंप्लीटली नॉन ब्राह्मण है।
और जिस जज को लेकर एलिगेशन लग रहा है कि सीजेआई रूल को वायलेट करते हुए जिस जज को अलॉट कर रहे हैं केस, उनका भी नाम चूंकि मीडिया में आ ही चुका है कि जस्टिस अरुण मिश्रा का नाम आ रहा है, वो भी उनकी उनकी कम्युनिटी से है। सो वो एक तो नियम का वायलेशन हो रहा, और नियम के वायलेशन में अपनी ही बिरादरी के जज को केस ट्रांसफर करने का भी मामला है। सो इसको इस फ्रेमवर्क से भी समझे जाने की कोशिश की जानी चाहिए कि ये नॉन ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण जज में का झगड़ा भी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अरविंद कह रहे हैं, और इसमें एक चीज मैं आपसे सर पूछना चाहता हूँ कि कोलिजियम सिस्टम ने इस देश में सबसे इनफिशियंट जुडिशियरी दे दी है। 2,81,00,000 केस पेंडिंग है। सबको मालूम है कि जो जुडिशियरी है वहां पर क्या हो रहा है, कैसे फेवरेबल जज का एक कॉन्सेप्ट आ गया है, और कनेक्टेड एडवोकेट का एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि आप फेवरेबल जज बेंच वो मैनेज कर सकता है। तो ये जो अंदर जो चीजें सड़ रही थी उसके अब सिम्टम्स बाहर आने लगे हैं, तो लोगों का उस इंस्टीट्यूशन पर भरोसा हिलेगा। अगर जो अरविंद कह रहे थे कि इंस्टीट्यूशन के तौर पर जुडिशियरी अभी बहुत स्क्रूटनी में नहीं थी, तो इस घटना के बाद से तो वो बहुत तीखी स्क्रूटनी में लोग देखेंगे कि वो क्या है। तो ये कोलिजियम सिस्टम को जिस तरह से लाया गया, अब मैं थोड़ा सॉल्यूशन पे भी बात करना चाहता हूँ। मुझसे बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं लगातार कि भाई समस्या तो समझ में आ गई कि बहुत सड़ा हुआ इंस्टीट्यूशन है या बहुत प्रॉब्लमेटिक इंस्टीट्यूशन है, सड़ा हुआ शब्द इस्तेमाल ना भी करें तो, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है ये कोलिजियम सिस्टम की जगह? और आपने चूंकि दुनिया भर की जुडिशियरीज का अध्ययन किया है तो बेटर फॉर्मुलेशन क्या हो सकता है? पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकड्रॉप बताना चाहूंगा कि कोलिजियम जो है, मतलब आप देखेंगे कि एसपी गुप्ता नाम का केस हुआ था 80s में, और जब ये केस हुआ तो उसमें ये कहा गया था कि एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट करने का जजेस को राइट है। उसके बाद में जो है एग्जीक्यूटिव में दो लॉ मिनिस्टर्स आए, पी शिवशंकर एंड एक बी शंकर आनंद। तो इन लोगों के चलते और 90s के आसपास आप देखेंगे कि भारत के जो सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारे हाई कोर्ट्स, उसमें नॉन ब्राह्मीन्स का संख्या बहुत बढ़ गया। उसी समय आप देखेंगे कि शेड्यूल कास्ट के जजेस भी अपॉइंट होना शुरू हुआ। तो आप देखेंगे कि ब्राह्मीन का पॉपुलेशन बहुत कम हो गया। तो एक जो एक जो चीफ जस्टिस थे हमारे देश में, उन्होंने जो है एक छोटी सी केस में कहा कि हमें 7 जजेस का जो एसपी गुप्ता का जो जजमेंट है उसको हमें रिव्यू करना है, और फिर उसको लेकर जो है उन्होंने रिव्यू का उन्होंने ये जजमेंट किया। फिर वो जजमेंट जैसे ही रिव्यू हो गया और कहा कि इसको चीफ जस्टिस को ये अपॉइंट करने का पावर होगा, कॉलेजियम को अपॉइंट करने का पावर होगा, तो उसके बाद में 7 अपॉइंटमेंट्स हुई और 7 में से 5 अपॉइंटमेंट्स ब्राह्मीन लोग थे। बट बाद में उनको ये लगा कि इस तरह का ये सिलसिला चलता रहेगा, बट ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद में जो है नॉन ब्राह्मीन भयंकर प्रमाण पर सुप्रीम कोर्ट में आए। अभी आप देखेंगे कि पिछले 7-8 सालों में अभी जो चीफ जस्टिस बन रहे हैं वो तो ब्राह्मीन हो सकते हैं, बट पिछले 7-8 सालों में आप देखेंगे कि चीफ जस्टिस ब्राह्मीन नहीं बन रहा था। तो फिर से दोबारा जो है इधर जब गवर्नमेंट आया तो उन्होंने कहा कि हम लोग इसको भी रिव्यू करेंगे और एग्जीक्यूटिव के पावर में। तो एक्चुअली जो मेंटेनेंस ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ पर्टिकुलर क्लास है उसके लिए इसमें फेवरेबल चेंजेस टाइम टू टाइम ला रहा है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि जुडिशियरी में जो फेवरेबल जजमेंट्स हासिल करना, फिर सेकेंडली फेवरेबल जजेस के सामने असाइनमेंट देना, या फिर जजेस के चीफ जस्टिस के गुड बुक में कुछ जजेस रहना चाहिए, इसके लिए फिर उसके फेवरेबल जजमेंट्स देते हैं, उसके ऊपर मुझे लगता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है जिसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने माना। आर्टिकल 124 को यदि आप खोलकर देखते हैं तो आपको ये देखेंगे कि चीफ जस्टिस को कोई एडिशनल पावर्स नहीं दिए गए हैं। ये बताया गया है कि एक चीफ जस्टिस रहेगा, बट उसको कोई एडिशनल पावर्स नहीं दिए गए, एक्सेप्ट जब नया जज अपॉइंट होगा तो चीफ जस्टिस को एक बार पूछ लिया जाएगा कि ये आदमी के बारे में आप कुछ जानते हैं या नहीं है। तो एक बेंच होना चाहिए, जो हजारों बेंचेस हमारे, हमने मतलब जगह जगह बेंचेस बनाए, जैसे एक सुप्रीम कोर्ट में आप देखेंगे तो फ्राइडे के दिन 12-13 बेंचेस बैठ जाते हैं, है ना, यूजुअली तो 11 बेंचेस बैठते हैं। तो आप देखेंगे कि क्या होता है कि जब बेंचेस में डिवीजन ऑफ वर्क होता है तो चीफ जस्टिस का पावर ऑफ
रोस्टर जो डिसाइड करने का जो पावर होता है उसको, वो वाइड हो जाता है और उसके अकॉर्डिंगली वो सीटिंग भी अरेंज करता है कि कौन से जजेस कैसे बैठेंगे एंड आपको सीनियरिटी तो होती है बट उसके साथ में कौन जज बिठाना चाहिए ये इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो और वो वीकली बेसिस पर चेंज होते हैं, तो एक ही बेंच बैठाया जाए। और ये जो हमारे देश में अभी 30+1 जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट में, उसको जो ओरिजिनल स्कीम है कॉन्स्टिट्यूशन का 7 जजेस वही लागू करना चाहिए, एक ही बेंच में बैठेंगे। चीफ जस्टिस को रोस्टर डिसाइड करने का पावर नहीं होगा और किसी को फेवरेबल जज को सीख करने का पावर नहीं होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिनल स्कीम है। कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ हम लोग को लौटना चाहिए, संविधान की तरफ लौटते हैं तो शायद एक समाधान हो। और दूसरा इसमें ये भी है कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए एक आयोग बनाने की बात है और संविधान के अंदर ये है, इसका न पालन होना भी मुझे लगता है कि बेहद प्रॉब्लमेटिक है कि जजेज जो है वो अपने टैलेंट से, अपनी प्रतिभा से, अपने ज्ञान से न चुने जाए और उठा लिए जाए कहीं कहीं से अपने पसंद के लोग, ये पूरा सिस्टम ही दरअसल एक तरह से प्रॉब्लमेटिक है। तो जुडिशियरी में भी जैसे यूपीएससी उस तरह का एक कमीशन बनना चाहिए मुझे लगता है, और उसमें रिजर्वेशन और सारे प्रावधान वैसे ही होने चाहिए जैसे कि बाकी इंस्टीट्यूशन के लिए है, तो शायद हमको लगता है कि ये यहाँ से आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था अगर कल के मामले को देखेंगे सो मतलब अगर ब्राह्मण वर्सेस नॉन ब्राह्मण के फ्रेमवर्क से इसको देखा जाए सो एक तरीके से ये दिखाई देता है कि इस मामले में उन 4 जजों का ह्यूमिलिएशन हुआ है। वो एक और एग्जांपल बताता हूँ क्यों ऐसा, मतलब इसका साफ साफ प्रमाण है। जुडिशियरी में एक तो ये है कि लॉ क्या कहता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन कानून क्या कहता है उसके आधार पर चलता है। दूसरा एक ये होता है कि कानून हर चीज नहीं एक्सप्लेन कर सकता है, कुछ जगह कुछ स्पेस छूटा होता है जहां से अथॉरिटी एक्सप्लेन करता है। सो सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस में बात रही है वो ये रही है कि 31 जज हैं या 30 जज हैं, सो ये हो सकता है कि कोई मामला 30 जो सबसे जूनियर मोस्ट जज है उसके पास जाए और वो सिंगल बेंच या डबल बेंच में सुन रहा हो, उसको लगता हो कि नहीं ये मामला तो लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुने, वो उसको सीजीआई को रेफर करता है। सीजीआई उसको, अब तक ये होता रहा है कि सीजीआई एक नई बेंच बनाती है और उस नई बेंच में जिस बेंच ने उसको भेजा है उसको भी उस बेंच में शामिल किया जाता है भले वो जूनियर मोस्ट रहे हो। जैसे अभी राष्ट्रगान वाला मामला है, जस्टिस दीपक मिश्रा ने खुद जजमेंट डिलीवर किया था कि राष्ट्रगान कंपलसरी होना चाहिए, बड़ी बेंच बनी, बड़ी बेंच में जस्टिस दीपक मिश्रा को उसमें एक बेंच दिया गया। लेकिन कुछ दिनों से ये हो रहा था कि जब कुछ जज जो है जिसमें जस्टिस चलमेश्वर और कुछ जज जब बेंच को रेफर करते थे सीजीआई को कि बड़ी बेंच बनाया जाए, तो जस्टिस दीपक मिश्रा जो नई बेंच बना रहे थे उसमें जिसने रेफर किया है नाम केस को उसको बाईपास कर दे रहे थे, उसका नाम हटा दे रहे थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसको कि जस्टिस दीपक मिश्रा को पब्लिक के सामने आके ये बताना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और यही मेन झगड़े की वजह है। कुछ दिन पहले एक चीज और मैं ऐड कर देता हूँ, कुछ दिन पहले अभी कम से कम 20 दिन पहले एक केस को जब जस्टिस चलमेश्वर भेज रहे थे सुप्रीम कोर्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को हियरिंग के लिए, तो उन्होंने जजमेंट में ही लिख दिया कि ये केस जो है लार्जर बेंच बनाई जाए सीनियर मोस्ट जजेज को इंक्लूड करते, क्योंकि उनको इस बात का डाउट था कि मुझे नहीं इंक्लूड किया जाएगा जो बार बार हो रहा था। सो वायलेशन हो रहा था पिछले 15 दिनों से जिस पर लगातार लिखा जा रहा था, और दीपक मिश्रा ने उसकी जब सुनवाई की तो सुनवाई करते हुए ये कहा कि जो है ये तो चीफ जस्टिस का एक्सक्लूसिव पावर है। आज जो लोग मतलब कानून के एक्सपर्ट जो हैं, जो आज कह रहे हैं कि उन 4 जजों ने सही काम किया है, वो लोग उसी टाइम पे अभी 15 दिन पहले का न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स आप उठा के देखेंगे वही सारे कानून के जानकार लोग ये कह रहे थे कि नहीं जस्टिस चलमेश्वर ने गलत किया है, मास्टर ऑफ रोस्टर तो सीजीआई। मैं उसमें देखिए ये एक बहुत दिलचस्प मामला है, डायरेक्ट रूट टू दी जो कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी का भी मेन जो मतलब सेंटर है यही है जी, आप देखेंगे। हाँ, आप बोल रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लगभग बिल्कुल ये तो नहीं, लेकिन इसी तरह की शिकायत जस्टिस कर्णन ने चेन्नई हाई कोर्ट के मामले में की थी, उनको जो बेंचेस दिए जा रहे थे, केसेस दिए जा रहे थे या उसके नीचे की जुडिशियरी के अपॉइंटमेंट के प्रश्न और उसमें करप्शन, ये सारे सवाल दरअसल जस्टिस कर्णन ने एक तरह से
एग्जैक्ट ये सवाल नहीं थे, लेकिन उस पूरी डिबेट को उन्होंने ओपन किया था। इस डिबेट को ओपन करना उनके लिए दरअसल एक आफत की तरह आया और उसके लिए वो दंडित भी किए गए और 7 जजों की बेंच ने किया, और इसमें 4 जज जो इस समय न्यायपालिका को लेकर इतने चिंतित हैं, वो उन्होंने उन चारों वो चारों जज जो 7 जजों की बेंच में थे, तो वहां पर मुझे लगता है कि एक चूक उनसे हुई है। जो जजेज भी एक मानवीय गलतियां कर सकता है, मैं मानता हूं, तो वहां पर अगर इसको रोका जाता तो शायद कोई रास्ता खुलता, पक्का नहीं है। लेकिन जस्टिस टंडन के मामले में इतना तो हुआ कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन को जब आप सवालों से परे कर देते हैं, आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, तो भारत में देखिए 3-4 इंस्टीट्यूशंस पड़े हैं इसको लेकर पूरी डेमोक्रेसी टिकी हुई है। डेमोक्रेसी ने बहुत कुछ डिलीवर नहीं किया, लेकिन बहुत कुछ डिलीवर किया भी, तो इस इंस्टीट्यूशंस का बने रहना डेमोक्रेसी और बहुत ज्यादा इस देश के जातकों के लिए अच्छी बात है। जुडिशियरी अगर अपने इंस्टीट्यूशन को सेव कर ले जाती है और क्रेडिबिलिटी गेन करती है, इसमें एक थोड़ा सा खुद को पर्ज करती है, खुद को थोड़ा धोती है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत हो सकती है यहाँ से। ये जो मैं अगर जिस उम्मीद में हूँ, क्या ये उम्मीद आप भी रिप्लिकेट करते हैं? सर, मैं इस बात को, क्योंकि मैंने अभी तरह तरह के ओपिनियंस रात में भी मैं पढ़ रहा था इस चीजों को, तो मैंने ये देखा कि जस्टिस कर्णन को इन लोगों ने सजा दिया, मतलब ये 4 जजेस है उसमें, और 4 जजेस होने की वजह से कुछ लोग ये कह रहे हैं, और हम सब लोगों का भी ये एक जनरल ओपिनियन है कि इन्होंने उस समय उनकी हेल्प क्यों नहीं की, जबकि इनको मालूम था कि चीफ जस्टिस अभी इतना अनब्राइडल्ड पावर अपने हाथ में ले रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जैसे देखिए है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ जो इस देश में है, उनके लिए डेमोक्रेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये कम्युनिटीज जो है, क्योंकि लार्जर पॉपुलेशन है, 90% ऑफ पॉपुलेशन इनका है, तो डेमोक्रेसी बेसिकली इन्हीं के लिए इस्टेब्लिश की गई है, ऐसा माना जा सकता है। तो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का प्रोटेक्शन भी इन्हीं के हाथों में है। यदि हम लोग ये बात कर चलते हैं कि इन्होंने इनका सपोर्ट नहीं किया जस्टिस कर्णन का, तो इसलिए इनको अभी मॉरल अथॉरिटी नहीं है इस तरह का करने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं इस बात से मतलब जो लार्जर डिबेट है देश में कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को हमने सेव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसमें से हम मिस कर जाएंगे। नहीं, अगर मेरे कहने से ये ध्वनि आ रही है, ये साउंड कर रहा है कि चूंकि कर्णन के मामले में इन्होंने गड़बड़ी की, ये नहीं है, और मुझे लगता है कि इन्होंने अब ये सवाल और ब्रॉड हो गया और अब छिप नहीं सकता है। ऐसा माना जाना चाहिए कि कर्णन साहब ने जो किया उसी से इनको ये प्रेरणा मिलेगी कि हम लोग भी ऐसा करें और ये डिबेट को ब्रॉड करें। क्योंकि अभी देखेंगे कि बहुत सालों में आप ये देखेंगे कि किसी ने इस तरह का डेरिंग नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया, तो जस्टिस कर्णन हैज बीन अ पायनियर मैन।